सबसे पहले हमारे अगुवाईकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। नमस्कार, सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में स्तुति गीत और परमेश्वर के वचन हम सुनेंगे। उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप सभी हमारे साथ शामिल रहेंगे और कार्यक्रम के जरिए आपको आशीष मिले। सबसे पहले हम खदलस साउथ फीमेल वॉइस और चाम मरुवेस कौशल मसीह संगति के द्वारा मीठी आवाज से गाए हुए स्तुति गीत गाना सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड बीजो ब्याक्लुआंगा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। क्या ला सकता
मसीह की प्रभु यीशु मसीह में जितने हमारे भाई बहन हैं आज इस शुभ घड़ी पर सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से नमस्कार कहता हूं। आज हमारी आत्मिक खुराक के लिए जो कि परमेश्वर का वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 और 26 पद को लेकर आज हम प्रभु यीशु मसीह के जो कि मार्ग सच्चाई और जीवन होने के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले आइए हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। तो आज यहाँ पर जो कि वचन हमने सुना उसके द्वारा ये बात हमें स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ में जीता और विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा। तो आज आपके सामने यह प्रश्न जरूर आता है, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मार्ग सच्चाई और जीवन है? एक बात तो हम जानते हैं और हमारा विश्वास भी है कि इस जीवन के परे भी एक और जीवन है। अगर हम पहली कुरिन्थियों के नाम पौलुस की पत्री उसका 15 अध्याय 19 पद में देखें तो वहाँ पर यह कहता है कि अगर इस जीवन में हम प्रभु यीशु में सिर्फ आशा रखेंगे तो हम बड़े ही अभागा होंगे। कहने का अर्थ होता है कि अगर हम विश्वासी होते हुए भी हमारा विश्वास अगर सिर्फ हमारे इस जीवन तक ही सीमित रहेगा तो उसका मतलब होता है कि हम अभागा होंगे, मतलब हम यीशु मसीह के जो कि ये मार्ग सच्चाई और जीवन होने को सही तरह से समझ नहीं पाए हैं। हम में वो विश्वास होना बहुत ही जरूरी है जो हमें कब्र के उस पार तक पहुंचा सकता है। जब तक हम जीवित हैं तो कहने का अर्थ यही होता है कि हम कब्र के इस पार हैं, और मृत्यु जो कि है वो मृत्यु हमें कब्र के उस पार जाकर पहुंचाता है। अगर हम सचमुच में उस कब्र के उस पार जाना चाहते हैं, मतलब यीशु मसीह का वो जीवन जो कि है उस जीवन को पाना चाहते हैं, तो हमें
अपनी सोच बदलनी होगी। हमें अपने विश्वास के जो कि तरीका है या जो कि सीमा है उसे और भी बढ़ाना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर हम देखें तो उसी मृत्यु के बाद के जो कि जीवन है उस जीवन के बारे में कहता है, और हमारे इस जीवन से भी उसका एक बहुत ही गहरा संबंध है। इंसान की जिंदगी में अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे जो कि जरूरी समय आते हैं, शादी होती है तो किसी के जो कि अगर नौकरी मिलने की जो खुशी होती है, और उसी तरह भिन्न भिन्न बातों को भी हम इसमें मिला सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम क्या देखते हैं, अक्सर किसी किसी की शादी टूट जाती है, और शादी टूटने के बाद बहुत सारे लोग जो कि हैं अपने आप को एकदम से विध्वस्त मतलब टूटा हुआ मानने लगते हैं, और सोचते हैं कि उसका जो कि ये जीवन है वो जीवन और कभी अपने पैर में खड़ा नहीं हो पाएगा। और किसी किसी की नौकरी भी चली जाती है तो उनका मन बहुत ही उदास हो जाता है, और ये लोग बहुत ही टूट चुके होते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन हम अगर ध्यान से सोचें, हम अगर कदम उठाएं, तो हमें यह जरूर अनुभव होता है कि शादी टूटने के बाद भी एक जीवन होता है। शादी टूटने के बाद भी अगर हम दूसरी तरह से फिर से हम कदम उठाएं तो एक बार फिर से अपने आप को हम उसमें सही रास्ते पर ला सकते हैं। नौकरी चले जाने के बाद भी एक जीवन जरूर होता है, और उसमें हम क्या देखें, नौकरी चले जाने सब कुछ का खात्मा नहीं है, उसके बाद भी और नौकरी भी ढूंढा जा सकता है, या तो फिर उसके बाद जो कि कोई व्यापार भी किया जा सकता है, या तो किसी और तरीके से अपने जो कि इन आय करने का जो कि हम रास्ता ढूंढ सकते हैं, और उसी तरह अपने जीवन को हम एक बार फिर से नई तरह से हम एक मोड़ दे सकते हैं। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ कुछ भी टूट क्यों ना जाए, कोशिश करने पर हम जरूर दोबारा खड़े हो सकते हैं। तो बाइबल जो कि हमसे कहता है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, हमारे जीवन में कुछ भी खत्म क्यों ना हो जाए, अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु है तो हम दोबारा जरूर शुरुआत कर सकते हैं। बाइबल में जो कि हमने पाया, जो कि वचन हमने सुना, उसके द्वारा और थोड़ा अगर हम आगे पढ़ें तो लाजर के बारे में भी हम पा सकते हैं। लाजर को जो कि जीवन था और जो कि मृत्यु थी, और जो कि मृत्यु के बाद का जीवन, वो हमारे लिए उदाहरण है, मतलब कि हम भी किस तरह से दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो कि पाठ हमने किया, उसका 11 अध्याय का जो कि 25 और 26 पद हमने सुना, तो उस पूरे 11वां अध्याय को अगर हम पूरी तरह से पढ़कर खत्म करें तो इसके द्वारा जो कि लाजर की जिंदगी के द्वारा हम यीशु मसीह के जो कि मार्ग सचर जिन जीवन होने के बारे में आभास जरूर पाते हैं। यहां पर जो कि लाजर के बारे में जो कि कहा जाता है, वो हमने देखा किस तरह से लाजर की जो कि मौत हुई, और उसके बाद किस तरह से जो कि उसके जो कि दोनों बहनें काफ़ी टूट चुकी थी दोनों, और जब यीशु मसीह को आते हुए लोग देखते हैं तो दोनों बहनें जो कि यीशु मसीह के निकट आकर कहता है कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। उन लोगों का जो कि विश्वास तो था कि अगर यीशु मसीह पहले से जो कि उनके निकट उनके घर में होते तो उनका जो कि भाई लाजर मरता नहीं। लेकिन यहां पर जो कि इस पाठ में से एक बात हमारे लिए याद रखना जरूरी होगा कि लाजर की जो कि मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु ने जो कार्य किया, उसके द्वारा हम यीशु मसीह के जो कि मार्ग सच्चा जीवन होने के बारे में कुछ गहराई से जान सकते हैं। मृत्यु को अगर हम देखें तो मृत्यु क्या है, मृत्यु जो कि है वो पुनरुत्थान के जो कि प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में से का एक हिस्सा है। मृत्यु के बिना पुनरुत्थान संभव नहीं है,
और नया जीवन पाने के लिए भी मृत्यु जरूरी होता है। कभी कभी अच्छा से बेहतर बनने के लिए कुछ चीजों को किसी किसी को मरना पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम जो कि खेती करते हैं, जो कि हम बीज लगाते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि नया फल पाने के लिए, नया पेड़ उगाने के लिए, जो कि नए फसल देने के लिए जो बीज बोया जाता है, उस बीज को मरना पड़ता है और उसके द्वारा एक नया सृष्टि, एक नई सृष्टि जो कि हमारे सामने दिखाई देती है। पेड़ बनने के लिए बीज को मरना जरूरी है और कभी कभी अच्छा काम पाने के लिए हमें पुराने कामों से हाथ धोना पड़ता है। लाजर की मृत्यु से पहले जो कि हम देखते हैं, तो उसके जीवन के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। और अगर लाजर की जो कि मौत ना होती और उसमें यीशु मसीह अगर उसे दोबारा नहीं जिलाते, तो हम शायद लाजर के बारे में और भी कम जान सकते। लाजर की मृत्यु से पहले तक उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलता, पर उसकी मृत्यु के द्वारा हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना आश्चर्य का काम प्रकट किया। परमेश्वर की महिमा के लिए किसी की मृत्यु जरूरी होती है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र जो कि यीशु मसीह को महिमा मिल सके। तो आज मनुष्य जाति के जो कि उद्धार के लिए परमेश्वर ने जो कि कार्यक्रम तैयार किया, तो उस कार्यक्रम में जो कि है उसे पूरा करने के लिए किसी ना किसी की मृत्यु जरूरी थी और उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लिए चुना ताकि उस यीशु मसीह लाजर की मृत्यु को इस्तेमाल करते हुए खुद भी जो कि अपने महिमा को प्राप्त कर सके और परमेश्वर के नाम की जो कि महिमा कर सके। तो लाजर का जो कि जीवन है और उसकी मृत्यु है और उसके मृत्यु के बाद का जो कि जीवन है, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि जीवन से लेकर मृत्यु के बाद के जीवन तक हमारे लिए 6 कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। तो पूरी तरह से अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय को देखें, तो उसमें से एक एक पद को लेकर अगर हम देखें, तो ये जो कि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सच्चा जीवन होने को समझने के लिए उसमें एक एक पद में हमें कई कई बातें समझने को मिल सकता है। पहले हम अगर हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार के जो कि 11 अध्याय के 23 पद में, तो जीवन मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के द्वारा जो कि हमें पता चलता है, जो कि हमने कहा कि हमारे लिए 6 कदम उठाना जरूरी है, तो उसमें पहली बात जो कि है कि प्रभु के जो कि वचन को ग्रहण करना सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है। तो आज जो कि ये बातें हम लोग कह रहे हैं, मार्ग सच्चा जीवन जो कि हमारे यीशु मसीह का होना, तो उसके द्वारा हम अगर देखें तो अपने बारे में हम ध्यान लगा रहे हैं, अपने बारे में हम कुछ मनन चिंतन कर रहे हैं, उसके द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कि पापी मनुष्य है, तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो कि मार्ग सच्चा जीवन बनकर आया, तो उसको हम किस तरह से अपने जीवन में प्रभु के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और प्रभु के रूप में ग्रहण करने के बाद भी हम किस तरह से अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम चाहे यीशु मसीह के विश्वासी हो या ना हो, तो हमें इन बातों को जो कि ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो कि हमारे लिए जरूरी है कि प्रभु के वचन को हम ग्रहण करें। यीशु ने जो कि लाजर के दोनों बहनों से कहा था कि तेरा भाई जी उठेगा, जब मार्था ने उससे कहा था अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता, लेकिन यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। आप भी अपनी हालत को देखकर प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए तो आप फिर से जी उठेंगे। तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोग हम पाते हैं, बहुत सारे लोग चाहे ख्रिस्तीय विश्वासी हो या ना हो, वो लोग समझते कि वो लोग इतने बुरे हैं, इतने गिर चुके हैं कि उनके लिए उद्धार देना, उनके लिए जो कि परित्राण देना परमेश्वर के लिए संभव नहीं है। परमेश्वर उन्हें उद्धार नहीं दे सकता,
वे लोग परमेश्वर के चूंकि माफी को पाने के लायक नहीं है। लेकिन एक बात आज इससे हमें ध्यान में रखना है, जो कि यीशु मसीह ने कहा था कि तेरा भाई जी उठेगा। लोगों के समझ में, लोगों के सोच विचार के द्वारा, जो कि यह मानना था कि लाजर मर चुका है और वे लोग उसे कभी ना देखेंगे, लेकिन प्रभु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। तो आज आपके लिए भी ये बात जरूरी है। आप चाहे किसी भी हालत में क्यों ना पड़े हों, आप चाहे अपने आप को कितने भी बुरा क्यों ना समझते हों, आप अगर समझते हैं कि आपके जो कि पापों को क्षमा देने के लिए परमेश्वर के पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन इस बात को उस समय आप ध्यान में रखिए कि प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है कि आप अपनी हालत को देखते हुए प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए, तो आप फिर से एक नया जीवन पाकर अब जी उठेंगे। दूसरी बात जो कि है, दूसरा कदम जो कि है, अपनी हालत का सामना कीजिए। यूहन्ना 11 अध्याय जो कि 34 पद में हम पाते हैं कि उसमें प्रभु यीशु मसीह का एक सवाल है। लाजर के बहनों से प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि तुमने उसे कहाँ रखा है, मतलब लाजर के जो कि लाश है, उस लाश को तुम लोगों ने कहाँ रखा है। तो उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख लें। तो आज इसके द्वारा एक बात हम ध्यान में रखें, हमें भी आपको भी अपने हालत पर नजर डालना है कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। यीशु मसीह अपने काम को करने से पहले लाजर को जो कि देखना चाहता था, उसके लाश को देखना चाहता था, उसके हालत को देखना चाहता था शायद, और उसी तरह वो अपने आगे का काम जो कि आश्चर्य कर्म कहेंगे उसे करने वाला था। तो आज हमें भी अपनी हालत पर नजर डालना है कि हम जिस हालत में हैं क्यों हैं, हम जिस हालत में हैं कैसे हैं। तो उसमें प्रभु का वचन हमसे चाहता है कि हम भी, आप भी उसका सामना कीजिए। अपने हालत को चाहे कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, चाहे एकदम से जो कि नीचे गिरा हुआ हालत क्यों ना हो, लेकिन आप उसका सामना कीजिए, उसका कारण ढूंढिए और प्रभु को आप अपने जीवन में बुलाइए, आपकी समस्याओं को दूर करने दीजिए, वरना आप फिर से उसी हालत में पड़े रहेंगे। जब यीशु मसीह ने सवाल पूछा, तुमने उसे कहाँ रखा है, तो लाजर के बहनों ने कहा था कि हे प्रभु चलकर देख ले। तो आज प्रभु आपके हालत को भी जानना चाहता है, प्रभु आपके हालत को देखना चाहता है और आपको भी वो जीवन देना चाहता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप भी प्रभु से कहिए, हे प्रभु आकर देख ले, मुझे देख ले और मुझे फिर से जिंदा कर दे। अगर हम इस तरह से अपने जीवन में प्रभु को नहीं बुलाएंगे, अगर हम प्रभु को जो कि हमारे हालत में हम आमंत्रण नहीं करेंगे, तो हम वही उसी हालत पर हमेशा तक फंसे रहेंगे। तीसरा कदम जो कि है, बहाने ना बनाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो 11 अध्याय का 39 पद में हम देखते हैं कि मार्था ने यीशु मसीह से बहाना बनाया था। जब उससे कहा गया कि पत्थर को हटा दो, कब्र के सामने से जो कि पत्थर जिससे कब्र को ढाका जाता है, जब उसे हटाने के लिए कहा गया, तो उन लोगों ने बहाना बनाया था कि अब तो उससे शायद दुर्गंध भी निकल रहा होगा, 4 दिन के लगभग हो चुका है, अब तो सड़ चुका होगा, गलना शुरू हो चुका होगा, उसमें से बदबू आएगी। तो इसलिए उन लोगों ने उतनी इच्छा प्रकट नहीं की कि पत्थर को हटाए। तो ये था उन लोगों के लिए बहाना। उन लोगों को विश्वास नहीं था कि प्रभु जो कि है, यीशु मसीह जो कि आया हुआ है, तो उनके भाई को जो कि उस मुर्दे हालत से भी फिर से जीवित कर सकता है। इसलिए उन लोगों ने सोचा था कि प्रभु आया है तो सिर्फ उसे देखेगा, उसके लाश को देखेगा, शायद रोएगा, उसके बाद चला जाएगा। और इसलिए उन लोगों ने उस पत्थर को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो उन लोगों ने बहाना बनाया। तो इसमें हम देखते हैं कि वो पत्थर भी जो कि है एक बहाना है कि बहुत भारी है, हम उसे हटा नहीं पाएंगे, या तो उस पत्थर को नहीं हटाएंगे, हटाएंगे तो जो कि बदबू आएगी। तो उसी तरह हम अपने जीवन में भी बहाना बनाते हैं कि हमारे जीवन में जो कि ये द्वार है, जो दरवाजा है, जो कि हमारे पाप की बदबू, या तो फिर जो कि हमारे गलत कामों की बदबू, या तो जो कि हमारे जो कि बुरी हालत, या तो ये बुरी जिंदगी की जो कि बदबू,
उसका बहाना हम लोग बनाते हैं। और बहुत सारे लोग जो कि हम प्रभु को अपने जीवन में आने नहीं देते। वह पत्थर जो कि है लाजर के लाश के जो कि दुर्गंध को ढांके हुए था, तो हम भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे कमजोरियों को ढांकने के लिए हम लोग बहाने बनाते हैं। अपने जीवन को हम प्रभु के सामने खोलना नहीं चाहते। तो आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम पाना चाहते हैं, हमारे लिए मार्ग बन सकता है, वो हमारे जो कि सच्चाई है और जीवन जो कि हमें दे सकता है, तो उन सभी को पूरी तरह से जान पाने के लिए हम अपने बहाने बनाने को दूर करें और हम अपने समस्याओं का सामना करें, लड़ाई करने के लिए कोशिश करें और प्रभु के सामने उन्हें खोलकर उन्मुक्त करते हुए हम पेश करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में काम कर सके। चौथा कदम जो कि है प्रार्थना करें। यूहन्ना जो कि 11 अध्याय का 41 और 42 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बार बार प्रार्थना करता है। लाजर के लाश को फिर से जिंदा करने से पहले भी उन्होंने प्रार्थना की, तो अपने विश्वास के जीवन में भी हमें बार बार प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह को भी हम खुद देखते हैं कि अपने सेवकाई के दौरान कभी भी किसी भी कदम उठाने से पहले यीशु मसीह प्रार्थना किया करता था और प्रार्थना के बाद ही कोई कदम उठाता था। यहाँ तक कि अपने जीवन में उन्होंने बहुत ही मुश्किल घड़ियों का सामना भी किया। क्रूस पर टांगे जाने से पहले जो कि उनका मन बहुत ही उदास था और बहुत ही कष्ट अपने मन में पाया हुआ था, तो उन्हें दूर करने के लिए वो गेतसेमाने के जो कि बाग में जाकर प्रार्थना करता है। तो हमें भी चाहिए हमारे जीवन के हर हालत में, हर कदम में हम प्रार्थना करें। और पांचवा कदम जो कि है अपनी हालत से बातें करें। अपनी हालत से हम जरूर बातें करें। यूहन्ना 11 अध्याय का 44 पद में यीशु मसीह ने हम क्या देखते हैं, उन्होंने बड़े शब्दों से पुकारा कि हे लाजर बाहर आ। वो हालत वह था कि लाजर मरा हुआ कब्र के अंदर पड़ा हुआ था, तो उनके समस्या हुई थी, जो पहले जिंदा था वो मरा हुआ था, और उस मरा हुआ जो कि वो हालत जो कि उनके सामने था, तो उस हालत से यीशु मसीह ने बात की, पुकारा, बाहर आने के लिए कहा। अपनी समस्याओं से बातें करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यीशु मसीह को भी हम पहले कई बार समस्याओं से बातें करते हुए देखते हैं, जो कि अंजीर का पेड़, जिस समय कि यीशु मसीह को भूख लगी थी तो उस पेड़ में कोई फल नहीं था, तो उस समय यीशु मसीह का जो समस्या क्या था, उस हालत क्या थी कि उसे भूख लगी थी और भूख लगते समय जो कि उस पेड़ में कोई फल नहीं था, तो यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से बात की, उसे श्राप भी दिया ताकि कभी कोई फल ना लगे, मर जाए। और उसी तरह जो कि मरे हुओं से यीशु मसीह ने बातें की, उनके हालत से बात की, तो वे जी उठे। यीशु मसीह कहता है कि तुम अगर पर्वत से भी बात करोगे तो वह हट जाएगा। तो आप आज अपने समय को देखते हुए, अपनी समस्याओं को देखते हुए, जो समस्या आपसे काफी सालों से बात कर रही है, लेकिन अब इस समय अपने आप को उलट कर समस्याओं को आपसे बात करने नहीं, लेकिन आप समस्या से बात कीजिए। आप अब की बारी है कि आप अपनी समस्या से बात करें, प्रभु में होकर बात करें, अपनी समस्या को समझने की कोशिश करें और उसे किस तरह से आप जो कि अपने आप को उबार सकते हैं उसी तरह सोचने की कोशिश करें प्रभु में प्रार्थना के द्वारा। तब जरूर आप भी यीशु मसीह की तरह उन समस्याओं को जीत लेंगे। और छठा कदम जो कि है अपने अतीत से निकल आइए। उसी यूहन्ना का जो कि 11 अध्याय 44 पद, लाजर जो कि मरा हुआ था जिंदा होकर निकल आया। जब यीशु मसीह ने उसे पुकारा कि हे लाजर बाहर आ, तो वो जिंदा होकर, वो मुर्दा लाजर जिंदा होकर बाहर निकल आया। लेकिन अब भी जो कि उसका शरीर कपड़ों से लिपटा हुआ था, जो कि कब्र में डालते समय लोगों ने जो कि उनके शरीर को जो कि कपड़ों से लिपट दिया था, तो उसी कपड़े से जो कि हम देखते हैं कि उसका शरीर लिपटा हुआ था, तो यीशु ने कहा कि उसे खोल दो और जाने दो। लोगों से कहा उसके कपड़ों को जो कि खोल दो
और जाने दो। और उसके चेहरे पर भी जो कि कपड़ा था, इस कपड़े के जो कि खोलने के ऊपर अगर हम सोचे तो बहुत ही गहरी एक बात छुपी हुई है। तो उससे पहले एक बात हम जाने, आपको भी आपके पुराने असफलताओं से अपने आप को खोलना है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने पुराने बातों को लेकर अफसोस करते रहते हैं, कोई नया कदम उठाना नहीं चाहते, अपने आप को दोबारा जो कि खड़ा करना नहीं चाहते, पुराने बातों को लेकर पड़े रहते हैं। ना पहले भी किया था हम नहीं कर पाए, पहले भी हमने कोशिश की हम सफल नहीं हो पाए, इस तरह से अफसोस करते रहते हैं। और उन्हीं कारणों से क्या होता है कि हमारे हाथ है जो कि बंध ही रहती है और हम कुछ करना भी नहीं चाहते, सोचते हैं कि हम कुछ करने के लायक नहीं रह गए। हमारे पैर बंधे रहते हैं और हम विश्वास में नया कदम उठाना नहीं चाहते कि डरते हैं कि कहीं हम गिर ना जाएं। वही पुराने बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़ने से डरते हैं। लाजर की तरह हमारे ऊपर भी जो कि कपड़े पड़े हुए हैं, लाजर की तरह जो कि हमारे चेहरे पर भी जो कि अंगोछा पड़ा हुआ है, लेकिन हमें ध्यान में रखना कि जब यीशु मसीह ने कहा कि उसके कपड़े खोल दो, तो उसके चेहरे से भी जो कि अंगोछा हटा दिया गया, तब लोगों ने देखा कि हाँ तो लाजर ही है। जब तक कपड़ा हटाया नहीं गया था, लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब तक शायद कोई छल कपट का खेल समझकर ये लोग देख रहे थे। लेकिन उन लोगों को जो कि ये प्रमाण देना जरूरी था कि परमेश्वर के पुत्र जो कि यीशु मसीह है, वो मरा हुआ को भी जो कि जिला सकता है, तो उसके लिए लाजर के चेहरे से अंगोछा हटाना बहुत ही जरूरी था। और जब लाजर की चेहरे से अंगोछा हटा दिया गया, तब लोगों ने देखा और विश्वास किया कि हाँ ये लाजर ही है, और यीशु मसीह जो कि है, ये जो कि हमारे रब्बी है, गुरु जो कि है, आया है तो लाजर को फिर से जिंदा किया है। हम में से भी बहुत सारे लोग हैं लाजर की तरह हमारे मुंह पर जो कि अंगोछा पड़ा हुआ है, और हमें अपनी पुरानी बातों के कारण, कोई गलती करने के कारण हमें शर्म आती है। हमें इन सारी पुरानी बातों से आज आजाद होना होगा, अपने आप को दूर करना होगा, पुरानी बातों को हमें भूलना होगा। परमेश्वर ने हमें जीवित किया है, फिर भी अगर हम मरे हुओं की तरह अपने आप को बंधे रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कुछ कर नहीं सकता। लाजर की तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने मुंह से अपने कपड़ों को हटाएं, अपनी शर्म को हम दूर करें, ताकि हम देख सके जो कि पुराना था वो दूर हो गया, अब हम नए हैं। प्रभु यीशु जो कि हमारे लिए मार्ग, सच्चाई और जीवन है, मार्ग बनकर तो आया, इसके लिए आज जो कि मैंने आपके सामने ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि हम जानते हैं क्रूस पर जो कि उसने किया, उससे अच्छा मार्ग और कुछ नहीं हो सकता था, उस पर विश्वास करने के लिए अच्छा कोई तरीका और नहीं हो सकता था। वो हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा, और सच्चाई वही था, क्योंकि उन सारे कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा यही प्रमाण करता आया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसी तरह जो कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो हमें उद्धार दे सकता है, और उसी तरह जो कि अगले जीवन, कहते कि अगले जीवन सिर्फ नहीं, जो कि अगले समय के लिए जो कि हमें अनंत काल के लिए एक स्थायी समय हमें दे सकता है, उसे समझने के लिए हमें चाहिए कि वो हमारे लिए जीवन है। तो लाजर के जो कि ये उदाहरण आज आपके सामने प्रस्तुत किया हम लोगों ने, लेकिन उसके द्वारा सिर्फ लाजर के बारे में ये प्रकट होता है कि एक मरा हुआ इंसान जो कि यीशु मसीह ने जिंदा किया, लेकिन आज हमें यह ध्यान में रखना है, हम अगर अपने आप में प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाना चाहते हैं कि जो कि कभी खत्म ना होने वाला हो, तो उसमें तो सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन उस सच्चाई तक यह भी हमें नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि लाजर जो कि था इंसान के रूप में से जिलाया गया, और एक समय फिर वो आ गए जो कि मर भी गया, वो जिंदा हुआ तो मरने के लिए फिर से। लेकिन यीशु मसीह हमें जो देना चाहता है वो जो कि है अनंत जीवन, और उसमें जो कि मार्ग बनकर वो हमें रास्ता दिखाता है, और उसके तरह जो कि हमें सच्चाई के द्वारा हमें सही का जो कि पता करवाता है, और उसी के तरह जो कि जीवन हमें देना चाहता है। तो लाजर के जीवन से हमने यही समझने की कोशिश की हमें क्या करना चाहिए। हमें भी जो कि है कई कदम जो कि उठाने हैं, जो कि छः कदम जो कि हमने कहा कि प्रभु के वचन को ग्रहण करें, अपनी हालत का सामना करें, बहाने ना बनाएं, प्रार्थना करें और अपनी हालत से बातें करें,
और अपने अतीत से निकल आइए, अपने अतीत पुराने जीवन से निकल आइए, ताकि हम प्रभु में अपने आप को नया रूप में पा सके। तो उसके लिए हमारे जो कि चेहरे से हमें कपड़े हटाने हैं, हमारे हृदय से जो कि ठका हुआ कपड़ा जो कि हटाना है, और उसके द्वारा हम अपने आप को प्रभु के सामने उन्मुक्त करें, खोल दें, ताकि प्रभु हमारे जीवन से सारे पुराने बातों को दूर करके हमें एक नया जीवन दे सके। और उसी तरह जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग, सच्चाई और जीवन बन कर आया, तो उसके द्वारा हम भी उस मार्ग पर चलते हुए, उस सच्चाई को जानते हुए, उस जीवन को पा सके जो कि हमेशा प्रभु के निकट हमें रखेगा। और उसके द्वारा हमारे जो कि जीवन को भी जो कि परमेश्वर ने दिया वो सफल होगा। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमेन। आशा करते हैं कि सुने गए परमेश्वर के वचन हम सबको ईश्वर के करीब लाए और हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर की भविष्यवाणी का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। अब हम पीसीएल मिंगथांगा की ओर से स्तुति गीत गाना सुनेंगे और उसके बाद जोतलांग गोशन मसीह संगति की ओर से स्तुति गीत गाना सुनेंगे। सहारा तो चाहिए, सहारा तो दीजिए, सहारा बिना में कैसे जी।
जीवन की पथ पर रहता है तू प्रभु, अब निराहों में मुझे चलना सिखा दे। अब निराहों में मुझे चलना सिखा दे। तुम हो गरीब में कुछ ना देना, पास में तुम जो मुझे कुछ कम ना। तुम हो गरीब में कुछ चाहिए, सहारा तो दीजिए, सहारा बिना मैं कैसे जीना। जीवन की नैया तू ही प्रभु, पार लगा दे मुझे दूर किनारा। जीवन की नैया तू ही प्रभु, पार लगा दे मुझे दूर किनारा। तुम हो गरीब में कुछ ना देना, पास में तुम जो मुझे कुछ कम ना। तुम हो गरीब में कुछ चाहिए, सहारा तो दीजिए, सहारा बिना मैं कैसे जीना। तुम हो करीब में और पास आ जा, तेरे बिना मैं कैसे चाहिए, सहारा तो दीजिए, सहारा बिना मैं कैसे जीना। Oh,
यहाँ तक आज के हमारे कार्यक्रम है। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ईश्वर के बहुत आभारी हैं कि सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम करने का इस शुभ अवसर इन्होंने दिया है। अगले सुसमाचार कार्यक्रम में आप सभी से फिर मिलने की दुआ के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।